friends, subscribe to my channel and click the bell button to never miss the videos from Shubzzz Vlogs. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing good. और आज है वो कितनी ही है एंड आज है वेंसडे और क्रिसमस आ रहा है एंड आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज. एक्चुअली मुझे शॉपिंग करना था क्रिसमस के लिए. मैं कल परसों भी गई थी क्रिसमस ट्री लेने के लिए बट इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक ऑलरेडी. मैं डाइसो पे गई थी एंड मेरा बड़ा मन था कि मैं आप लोगों को भी ले चलूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करा, कैसे वहाँ पे है, क्या 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 ये सब. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैं डायरेक्टली ऑफिस से डायरेक्टली शॉपिंग करने गई तो आई डेंट टेक माई कैमरा विद मी. तो गाइज मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ. आई ट्राई टू शो इट बिफोर दैट बट मैं जो चीज़ें लाई हूँ और मैं कैसे क्रिसमस, मतलब मुझे क्रिसमस आई जस्ट लव इट एंड तो मैं अपने लिए भी यहाँ पे क्रिसमस ट्री लाई हूँ. और आई एम लाइक मुझे बचपन से ही बड़ा फैसिनेशन था क्रिसमस ट्री हो, उसको मैं डेकोरेट करूँ, देयर शुड बी अ सांता एंड एवरीथिंग. तो दैट इज़ लाइक चाइल्ड हुड फैसिनेशन विच स्टिल कंटिन्यूज. तो यस आई एम ऑलरेडी हियर एंड आई हैव माई होल. लिटरली मेरे घर में कोई बच्चा हो ना तो वो एकदम खुश हो जाए जस्ट बिकॉज मैं ऐसी हरकतें करती हूँ जो बच्चों को पसंद आती है जनरली. तो आई मीन टू से कि मैं चाइल्डिश हरकतें करती हूँ. सो यस गाइस, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्रिसमस के लिए क्या बाय किया है एंड मैं आपके साथ ही दिखाते दिखाते आई विल जस्ट ट्राई टू बिल्ड अप अवर क्रिसमस ट्री. आई एम सो एक्साइटेड एंड मैंने सारा सामान डाइसो से लिया है. डाइसो इज़ अ $2 शॉप. एवरीथिंग देयर इज़ अ $2. So you can just imagine मैंने क्रिसमस ट्री भी लिया है which was of $2 only. Okay guys, so ये है मेरा पूरा बैग जो मैं क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए सामान लेके आई हूँ. This is the Christmas tree. Yes. So मैं इसको निकालती हूँ and I'll set up with you guys. मैं आपको चलो पहले दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ. This is the Christmas tree. ये मैं बाहर hang करने के लिए लेके आई हूँ. जिससे मतलब कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्रिटी है. वाओ. एंड उसके साथ में लाई हूँ, दिस इज फॉर क्रिसमस ट्री डेकोरेशन. ये है एंड गाइस एवरीथिंग इज ऑफ $2 ईच. सो मतलब कितना प्रिटी है ये, द कलर्स वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल. एंड ये मैंने एक्चुअली यहाँ पर देखा, इन लोगों ने भी कुछ क्रिसमस ट्री ऐसे छोटे डेकोरेट किए हुए थे बिकॉज इट इज़ नॉट दैट फुली ऐसे लोडेड क्रिसमस ट्री. सो दे हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ दिस विच आई एक्चुअली लव्ड इट. तो आई बॉट दिस. एक ये है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसा डेकोरेशन कर रही हूँ एंड या बॉट्स. सो एंड ये नमन लाया है अपने लिए पेन. तो ये है मेरी पूरी शॉपिंग, दैट वाज अ $14. और अब मैं आप लोगों के साथ क्रिसमस ट्री को दिखाती हूँ. ओके, दिस इज द क्रिसमस ट्री.
मेरा क्रिसमस ट्री रेडी है और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है. आपने देखा ही मैंने कैसे डेकोरेट किया है. दिस इज माय फर्स्ट टाइम डेकोरेटिंग माय ओन क्रिसमस ट्री. वाओ, आई एम सो सो हैप्पी. एंड आप लोग भी देखो. पीछे की लाइट बंद कर दो. सो मैंने अपनी डोर पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन करा है. जस्ट वाओ, ब्यूटीफुल. तुम्हें कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा. गिरे ना बस. नहीं गिरेगा नहीं. इट्स वेरी लाइट. इट लुक्स हैवी बट इट इज वेरी लाइट. और तुम्हें कैसा लगा डेकोरेशंस करके? सेम है गाइस. यस गाइस, तो ये है मेरी क्रिसमस डेकोरेशन. सर अभी मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ. बस मुझे इस बात का बहुत शौक था क्रिसमस आएगा और उस दिन मैं व्हाट आई विल डू इज एक अच्छा सा केक बेक करूँगी. बिकॉज 25th ऑफ दिसंबर इज अ हॉलीडे. तो ऑब्वियसली मैं अच्छा सा केक बेक करूँगी और मे बी वी आर गोइंग टू गो आउट. बिकॉज क्यों? क्योंकि एक जगह मतलब इन अ सेंस वी हैव सम फ्रेंड्स, तो हम लोग का डिनर भी प्लान है. काइंड ऑफ ऐसा कुछ प्लान्स हैं. वाओ, लाइटिंग नंबर. इधर आके लाइटिंग देखो, भाग के जस्ट कम फास्ट. जस्ट लुक एट द लाइटिंग इन द बैकग्राउंड ओवरऑल. नॉट देयर. सी, नाइस ना? बढ़िया दिख रहा हूँ. तुम भी बढ़िया दिख रहा हो ना? मैं भी अच्छी दिख रही थोड़ी बहुत. मोटापा छा रहा है. आज हम लोग खा के आए, हम लोग शॉपिंग करने गए तो वहीं से हम लोग फिर डिनर भी खा के आ गए. हमने खाया चिकन विंग्स, डिफरेंट फ्लेवर्स के फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक. यस, हैड अ ट्रीट टुडे. एंड उसके बाद हम लोगों ने क्रिसमस ट्री की सारी शॉपिंग वॉपिंग तो पहले ही कर ली थी. फिर हम लोगों ने डिनर किया एंड देन वी केम बैक होम फ्रेश होके. एंड आई जस्ट स्टार्टेड डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्री और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं आप लोगों को सबको दिखाऊं कि मैंने डेकोरेट किया है. इतना बहुत नीट एंड टाइडी तरीके से नहीं हुआ है. छोटा क्रिसमस ट्री है तो थोड़ा मतलब लीफी इतना नहीं है तो इसलिए ओके आई डिड इट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. प्लस वो डोर पे कितना अमेजिंग लग रहा है. प्लीज़ कमेंट करके बताना नीचे कि आप लोगों को कैसा लगा. एंड आर यू ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द क्रिसमस ट्री एंड एवरीथिंग, द क्रिसमस एंड द केक्स एंड एवरीथिंग? प्लीज़ कमेंट करके बताना. आई एम लाइक ओह वाओ एंड look at the view outside. कितनी बढ़िया हवा चल रही है. वाओ, इट्स नाइस. और तुम क्या लेके आए? पेन? तुम्हारा पेन कैसा है? मेरा पेन इसमें वो पेन नहीं था, वो जिसमें तीन तीन पेन होते हैं. ओ ये वो है, रेड ब्लू और ब्लैक. वो है? वाओ यार, ये तो मतलब बचपन में रेड ब्लू बचपन में यूज करते थे ना. और डिफरेंट कलर के आते थे और भी मोटे वाले. हां, तो मजा आता था. मुझे एक लगा था और मोटा वाला जिसमें 6-7 हो, पर तो तीन वाला भी चलेगा. चलेगा, तुम बच्चों की कॉपी या रेड पेन से चेक कर लोगे. हां. और कैसा लगत बा? बढ़िया. कितनी बढ़िया हवा चल रही है ना. यस, अमेजिंग अमेजिंग. नमन, सोचो इस समय हम छुट्टियों पे हों है और अच्छी सी हवा चल रही है बीच किनारे अच्छे से रिजॉर्ट में इन अ विला. अभी ऐसी तो हमारी लाइफ है. तो उधर उधर सी है या तीती हवा चल रही है? नमन किधर सी है दिखाना. उधर किधर? अब दिख नहीं रहा है, इधर से दिख रहा थोड़ा. तो उधर ही. तो ये मेरा इंडिकेशन है कि हमें हॉलीडे प्लान करना चाहिए. Now I am in washroom and I am going to clean my face. अब मैंने अपना रूटीन थोड़ा सा बनाया है जिसकी वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी बेटर हुई है.
not fully better. तो उसका रूटीन मैंने ये बनाया हुआ है कि वीकेंड पे आई क्लीन माई वीकेंड मतलब वीक में टू टाइम्स आई क्लीन माई स्किन. तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन माई स्किन राइट नाउ एंड क्लीनिंग में कुछ नहीं बस आई एक्सफोलिएट माई स्किन एंड थोड़ा सा ब्लैक हेड रिमूवल से ब्लैक हेड रिमूव करती हूँ एंड दैट इज़ इट. ये बड़ा पुराना स्क्रब है दैट इज़ बाथ एंड बॉडी वर्क्स का है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ एक्चुअली गुड. मुझे काफ़ी पसंद आ रही है. मेरा फिनिश भी हो रहा है. Every 2 days like Wednesdays and Sundays when I have decided कि मैं face clean करूँगी तो मैं ऐसे लगा देती हूँ. और जो बचा हुआ होता है उससे मैं हाथ भी कर लेती हूँ. इस बहाने हाथ भी exfoliate हो जाता है. तो first of all I'll just complete my hand. राइट तो ये है मेरा टूल. ऑलराइट गाइस सो मैंने फेस क्लीन कर लिया है एंड दिस इज माई फेस. आई गेस क्लीन लग रहा है. मैंने थोड़ा सा एक्सफोलिएट किया ब्लैक हेड रिमूवर से हल्के फुल्के ब्लैक हेड और मतलब ये सब क्लीन किया थोड़ा बहुत एंड एक घर का ही कुछ भी फेस पैक आप बना लो जो अवेलेबल चीज़ है बस लगा के ऐसी कुछ कुछ लगा लो. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. यहाँ पे स्किन मतलब इतना ज़्यादा बुरा कॉम्बिनेशन है मेरी स्किन और यहाँ के वेदर का कि आई हैव टू टेक केयर अ लॉट. तो मैंने वही किया अभी एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट राइट नाउ. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक छुट्टी प्लान कर रहे. वी आर प्लानिंग अ हॉलीडे राइट नाउ. तो लेट्स सी कब जाते हैं. वी आर प्लानिंग इन जनवरी. सो यस एंड आई विल इन्फॉर्म यू इफ वी गो एंड वेयर वी गो. आई एम गोइंग टू टेक यू. अबाउट टू हैव ग्रीन टी. नींबू ऊपर ही रखा है और मैंने कल के लिए सब्जी भी बना दी साथ में. दैट इज स्प्रिंग अनियन आलू की सब्जी जो कि मैंने बना दी है. इसको मैंने रखा है ठंडा हो जाए उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टोर इट. तो ये दिस इज हाउ वी आर स्पेंडिंग. और मैंने सोचा नहीं था आज मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी बट इट स्टार्टेड ऑफ. ये काम राइट नाउ. आई एम सो हैप्पी. वेरी लाइट फीलिंग है आज. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग गुड. सो या लेट्स एंजॉय आवर इवनिंग. और ग्रीन टी पियेंगे उसके बाद थोड़ी देर चेंज करके फिर हम सो जाएंगे. अब मैंने जैसे फेस क्लीन कर लिया है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं अच्छे से अपने फेस पे टोनर लगाऊंगी उसको अच्छे से ड्राई करने दूंगी एंड कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने फेस पे लगाऊंगी. दिस इज माई प्लान. सो ये गाइज आई होप यू लाइक दिस स्मॉल व्लॉग टूडे. काफ़ी सारी प्लानिंग चीज़ों की हुई है एंड अगेन हैव अ लुक. Wow. Isn't it beautiful? Festive लगता है यार. मुझे तो बहुत ही festive लगता है and I like festival celebrating it. So guys, I hope you like this video. Please, please, please give a thumbs up. Share it with your family and friends and do not forget to subscribe to Shubzzz Vlog. Till then, stay happy, stay stress-free. Bye-bye.